भाई आज ना मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आपने सीख ली ना, जिसको की प्रैक्टिस करके कोई भी सीख सकता है, तो भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी से भी बात करने में ना एक्सपर्ट बन जाओगे। और अगर आप ये टेक्निक सीख जाते हो ना, तो आपको इससे बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा जो होगा ना, वो ये होगा कि आप किसी से भी बात करने में एक्सपर्ट बन जाओगे। और सेकंड फायदा जो आपको होगा वो ये होगा कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और थर्ड बेनिफिट जो आपको होगा वो ये होगा कि आप फिर कभी भी लोगों से बात करते टाइम ना और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करोगे। तो यार अगर आपको भी वो टेक्निक सीखनी है ना, अगर आपको भी बात करने में एक्सपर्ट बनना है, तो यार इसके लिए ना आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और यार अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ना आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार पहली जो टेक्निक है ना, वो है रिमूव अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स। मतलब भाई आपको ना अपनी कन्वर्सेशन से अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स को निकाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स होते कौन से हैं? भाई अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स वो होते हैं ना, जो कि हम अपनी बातचीत में ऐसे ही ऐड कर देते हैं और जिनका की कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके रिलेट करवाता हूँ। जैसे कि अगर कोई बंदा आपसे पूछता है ना कि आप क्या करते हो, तो वहाँ पे आप पता क्या बोलते हो? जैसे कि आप एक टीचर हो, तो वहाँ पे आप क्या बोलते हो कि नॉर्मली मैं एक टीचर हूँ, यू नो मुझे पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है। लाइक हर बंदे की कोई ना कोई हॉबी होती है, सो यू नो मुझे यही काम करने में मजा आता है। तो यार आप इस तरह से ना अपनी बातचीत में बहुत सारे अनयूजुअल वर्ड्स यूज कर देते हो जिनकी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो यार आपको सबसे पहला काम क्या करना है ना, कि आपको सबसे पहले अपनी बातचीत से इन्हीं शब्दों को हटाना है। जैसे कि हाँ, लाइक, नॉर्मली, यू नो, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ना, इनका बातचीत में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता। और अगर आप ये वर्ड्स अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करते हो ना, तो इससे आप अनकॉन्फिडेंट लगते हो। इससे सामने वाले बंदे को ये लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अगर आप अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको अपनी कन्वर्सेशन में से इन अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स को निकालना पड़ेगा। अब यार बात करते हैं अपनी सेकंड टेक्निक की, जो कि है पॉजेस। मतलब आपको किसी से बातचीत करते हुए ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी कन्वर्सेशन के बीच में कहां कहां पे पॉज लगाना है। पॉज मतलब थोड़ा सा रुक के बोलना है, क्योंकि भाई अगर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में बोलते हो ना, तो इससे सामने वाले बंदे को ये मैसेज आता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यार इसीलिए ना आपको अपनी कन्वर्सेशन में पॉज लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये करने से ना आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो। जैसे कि वही पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप ऐसा बोलते हो ना, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे हर बंदे की कोई ना कोई हॉबी होती है, वैसे ही मुझे ये काम करना बहुत पसंद है। तो यार अगर आप इस तरह से जल्दबाजी में बोलते हो ना, तो इससे सामने वाले बंदे को ये पता लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ कुछ इस तरह से बोलते हो ना कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे कि हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है, वैसे ही मुझे भी ये काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो यार देख रहे हो, यहाँ पे ये बात सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, जबकि सेंटेंस जो है ना वो सेम टू सेम है, फिर भी ये वाली जो लाइन है ना, ये सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और इससे सामने वाले बंदे को ये पता लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, क्योंकि आप रिलैक्स होके बोल रहे हो, आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्स होके बात करो, और अपनी बातचीत के बीच में पॉजेस को यूज करना कभी मत भूलो, क्योंकि इससे आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, क्योंकि पॉजेस को यूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इससे आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो। अब यार बात करते हैं अपनी थर्ड टेक्निक की, जो कि है आस्किंग टेक्निक। मतलब आप लोगों से किस तरह से क्वेश्चन पूछते हो, आपके पूछने का तरीका कैसा है, और वो तरीका सामने वाले को पसंद आता भी है या नहीं। क्योंकि यार नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, कि वो सामने वाले बंदे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और ये करने से सामने वाले बंदे को ये लगता है जैसे कि वो कहीं इंटरव्यू में बैठा हो, और इससे सामने वाला बंदा आपसे बोर हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी को पूछना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, तो वहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते, हम अगले बंदे से सीधे पूछ लेते हैं कि आप क्या करते हो, जो कि अगले बंदे को सुनने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो यार आपको क्या करना है ना, कि आपको अपनी आस्किंग टेक्निक को सुधारना है, आपको अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदलना है। जैसे कि अगर हमें किसी के बारे में जानना है ना, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट पूछने की बजाय कि आप क्या करते हो, हम वहाँ पे कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन नजर आ रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि आप काम भी कोई इंटरेस्टिंग करते होंगे। तो यार अगर आप कुछ इस तरह से लोगों से पूछते हो ना, तो यार ये करने से ना सामने वाले बंदे को आपके बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और फिर वो खुद ही आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेने लगता है, क्योंकि फिर लोगों को आपके बात करने का तरीका पसंद आने लगता है, और इससे ना आप किसी को भी
भी इम्प्रेस कर सकते हो। तो यार ये थी वो कुछ टेक्निक्स। आई होप ये तीनों टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारी फर्स्ट टेक्निक है रिमूव अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स, सेकंड है यूज पॉजेस और थर्ड है आस्किंग टेक्निक। तो यार अगर आप इन टेक्निक को अच्छे से यूज करना सीख जाते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस कर लोगे। तो यार आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।